जी को लेके हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि बाइज्जत बरी कर ले गुरु जी को। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम भौर सिंह है। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? मैं 2005 में जुड़ा हूँ। वे सरासर झूठ है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप वहाँ जाते रहे हैं, जरा वहाँ पे आप माहौल बताइए जो लड़कियों के लिए वहाँ पर किस तरीके का माहौल है? एकदम शांत वातावरण है, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। मैं एक हफ्ता रह कर आता हूँ। लड़कियाँ कितनी सुरक्षित हैं डेरा के अंदर? बिल्कुल सुरक्षित, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज समाज में गुरुजी नहीं है तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या दुष्परिणाम समाज को देखने के लिए मिल रहे हैं? दुष्परिणाम इसमें अभद्रता, नशा और महिलाओं गैर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहे। जब नहीं थे गुरुजी आने पे नशा कम हो जाएगा, सफाई अभियान चलेगा, बीमारियां कम होंगी और महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। जैसा कि सर आपने नाम ले चुके हैं और मतलब गुरुजी को फॉलो भी करते हैं, जो आपकी पहले की लाइफ थी गुरुजी से जुड़ने से पहले की और अब की लाइफ है, जरा उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो जी, जो पहले लाइफ थी मेरी, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, 24 घंटे नशा में रहता था, हुक्का बीड़ी दारू सब पीता था। जिस दिन से नाम लिया और दर्शन करें उस दिन से सब चीज़ ख़त्म और अब मैं बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ। जैसा कि गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है तो जो गुरुजी के चलाए कार्य हैं, काफ़ी कार्य चलाए गए हैं गुरुजी के द्वारा, वो अभी लगातार आप लोग कर रहे हैं या फिर अभी नहीं कर रहे हैं? जो 134 मानवता भलाई के कार्य है गुरुजी ने चलाए, उन पर सब पर अमल कर रहे हैं जी। सारे कार्य दुगनी तिगनी गति से चल रहे हैं, ब्लड डोनेट भी जैसे मकान बना कर दे रहे हैं और जी भूखे को भोजन राशन वितरित सारे कार्य बराबर चल रहे हैं। आपकी फैमिली में लगभग कितने मेंबर हैं जो गुरुजी से जुड़े हुए होंगे? हमारी फैमिली में जी एक दो ही रह रहा, सारा परिवार जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा क्या मिलता है जो आप गुरुजी से मतलब अभी तक जुड़े और फैमिली भी आपकी लगातार जुड़ते जा रही है? जी बहुत सुकून मिलता हो, अब जिंदगी जी रहे जब तो पशु की जिंदगी जो पहले जी रहे जुड़ने से पहले, अब इंसान की जिंदगी जी रहे। एक न्यूज़ भी आई थी कि जैसे गुरुजी के यहाँ पे जैसे काफ़ी मात्रा में जो खून दान किया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये खून दान जो किया जाता है मिलिट्री के लिए करा जाता है जी हमारे। और पेड़ पौधे भी लगाते हैं, सुना है गुरुजी अपने लिए लगाते हैं? नहीं, ये तो वातावरण शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। 15 अगस्त पर लगाते हैं, गुरु के जन्मदिन पर लगाते हैं जी। गुरुजी बहुत कुछ, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे गुरुजी को लेके? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि बाइज्जत बरी कर ले गुरुजी को।